यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही खबर रेवाड़ी से है, जहां पर भारी भरकम एनहांसमेंट के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को समर्थन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। एसवाईएल का पानी लाने के लिए पार्टी अब प्रदेश में जाकर वकीलों से एसवाईएल के लिए उनसे समर्थन की मांग कर रही है। साथ ही कहा कि जब तक हरियाणा में एसवाईएल का पानी नहीं आ जाता है तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए घिनौना कार्य करना बीजेपी नेताओं की परंपरा बन चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि ऐसा ही घिनौना कृत्य बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बाद इनेलो जल्द ही अभी और भी घोटाले उजागर करेगी। कार्यक्रम तो है वकीलों से मिलने का, बार में जाकर के एसवाईएल के लिए हरियाणा प्रदेश के सभी वकीलों का पूरा सहयोग और समर्थन मिले और हर वकील को इस बात की जानकारी हो आज की तारीख में कि किस तरह से सरकार जो है आज किसान की अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय उस संवैधानिक फैसले की अनदेखी करने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर जब सुभाष बराड़ा के बेटे ने इस किस्म के घिनौने काम किए थे तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की परंपरा है।